2 महीने की हूँ, 2 महीने जब आप उनके लिए बहुत आसान था ये हेलो चीजें एवरीवन, करना। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए, और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और मैं खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग को खुश दिख रही हूँ। कोशिश, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं खुश रहूँ, अच्छी रहूँ, और मैं डिस्टर्ब ना रहूँ। क्योंकि ना 2 महीने मैं डिस्टर्ब रही, मेरी हालत कितनी खराब थी आप लोग देख रहे हो कि अभी भी मेरी प्रॉब्लम चली रही है। तो मैंने यही सोचा, 2 महीने जब मैं दिल्ली गई थी उसके बाद से मेरी तबीयत खराब हुई जब मैं आने लगी। तो उस बीच में मेरे साथ कुछ हुआ था, ठीक है, ससुराल को ही लेके कुछ हुआ था कि जब मैंने बोला था कि मैं सासू माँ से मिल के आई हूँ, ये ड्रेस मैंने सासू माँ से मिला है तब पहना है, उस दिन की ही ये फोटो है। तो उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। और उसी दिन से मुझे ये चीज़ें फील हो गई थी कि नहीं, कोई नहीं है मेरे लिए, मेरे साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं है। अब विश्वास, जानते हैं आप लोग क्या होता है विश्वास? मेरे लिए ना ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं अगर किसी पे बिलीव करती हूँ और वो बिलीव मेरा टूटता है ना, तो वो चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। और वही हुआ मेरे साथ उस दिन। मतलब मैं कहती थी, मैं ना आज, मतलब मुझे जैसे लगा ना किसी ने, वो कहते हैं ना, तुम्हें सी बना दिया, सी का मतलब आप लोग समझ रहे हो। तो वही मुझे फील हुआ उस दिन कि मैं इतने दिन से पागल बनती चली आ रही थी। तो उस दिन ऐसा कुछ हुआ था कि जो ये जो मेरी आज की कंडीशन है और 2 महीने की जो कंडीशन है ना, वो मैं कह सकते हैं आपकी, मैं ना मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, डिप्रेशन में मैं चली गई थी, आप कह सकते हो ये चीज़। अगर मैं दिल्ली नहीं गई होती इस बार और अपने भाभी के साथ घूमना फिरना, थोड़ा सा माहौल मेरा चेंज नहीं हुआ होता और सही गलत मुझे समझ में नहीं आया होता, तब जाके मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये गलत है, ये सही है, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ, तब जाके मैं अपने आप को संभाल बैठी संभाली हूँ। तो कुछ तो हुआ था ना वो 3 महीने पहले मेरे साथ, मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया। आप जाके इंस्टाग्राम पे मेरे देखोगे कि ब्लू वाइट में मैं रोते हुए एक रील्स डाली हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा दुख दर्द क्या था। लेकिन मैंने एक जबान भी नहीं खोल के बताया कि हाँ मेरे साथ उस दिन हुआ क्या था। बस इतना कहूंगी, किसी ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा था, ठीक है, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। मुझे लगता था दुनिया बदल जाए। मैंने आप लोग से भी तक बोल दिया था कि मेरी सासू माँ के बारे में मत बोला करो कुछ फालतू, वो कब ऐसी नहीं है। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा, आज सब लोग कहते हैं ना कि तुम तो ससुराल के बारे में बहुत बोलती थी, तुम तो सास को बहुत वो करती थी कि सास ऐसे नहीं करेंगे, और आज फिर तो मैं आज जवाब देने लायक नहीं हूँ इस जगह पे। तो जब इंसान ट्रस्ट तोड़ देता है ना, तो वही कुछ हुआ था मेरे साथ उस दिन, और जो मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि मैं सच में यार, मैं एक पर्पस से गई थी कि मैं मिलूंगी उनसे, खुश होके बहुत गई थी, तैयार होके गई थी कि मैं मिलूंगी उनसे, लेकिन वो बहुत कुछ सोच के शायद आई थी, ठीक है, मुझे नहीं पता था। और मैं कह सकती हूँ कि मैं सोचती थी मैं इंसानों को पहचानती हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैं इंसान को नहीं पहचानती। अब मेरे दिल में ये चीज़ हो गया कि मैं इंसानों को नहीं पहचान पाती कि इंसान क्या, अपने मतलब दिमाग में क्या चल रहा है। तो बहुत सारे ट्रस्ट मेरे उस दिन टूटे थे, और मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था उस दिन, ऐसा चीज़ हुआ था। तो उसके बाद मैं जब घर आई ना, और वो लास्ट टाइम जैसे जब मैं सासू माँ से मिली, उसी के दूसरे दिन मेरा फ्लाइट था, मैं आ गई थी घर। और जब मैं रात को सोती थी ना, मेरे साथ 1.5 साल जो चीज़ें उनके साथ मैं बिताई थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे किया, समझ में सब चीज़ें आ रही थी मुझे। वो चीज़ें मेरे, जब मैं आंखें बंद करती थी तब मुझे लगता था कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला। मैं आंखें बंद करके अपने आप से सवाल जवाब करना कि मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, ये चीज़ें मैं 2 महीने की हूँ, 2 महीने जब आंखें बंद करती थी 3-3 बजे तक, उनके लिए बहुत आसान था ये चीजें करना।
लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने अपने आप से ना मैं फाइट करती थी कि मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मैंने कैसे ट्रस्ट कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अपने आप को बहुत मैं फील करती हूँ कि मैं ना जैसे किसी ने बहुत धोखा, एक लवली का जाना एक तोड़ दिया मुझे, एक मेरी सासू माँ का धोखा मुझे तोड़ दिया। यहाँ पे मैं रोऊंगी नहीं क्योंकि मुझे सबक मिला है उन लोगों से कि किसी पे ट्रस्ट मत करो। मैं रो नहीं रही यहाँ पे, मैं ऐसा करके वो लोग मुझे मजबूत कर रहे हैं। मैं बहुत से अब मुझे ना कोई भी चीज़ फेस करना हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। तो यही था। फिर इसके बाद मुझे दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैं दिल्ली जब गई हूँ ना यहाँ पे भाभी के साथ, थैंक यू सो मच भाभी मेरी की मैं उनके साथ टाइम बिताई, घूमी फिरी, और मतलब इतने दिन में थोड़ा सा खुश हुआ दिल और चहल पहल, मतलब जो भी हुआ मेरे साथ तो मुझे अच्छा लगा, माइंड डाइवर्ट हुआ। और आप लोग की हिम्मत, आप लोग जो देते रहते हो, जो मेरे पर्सनली कुछ ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, वो कभी भी हमेशा जानते हैं कि कल्याणी ऐसी ही है। तो एक तो निगेटिव होते हैं तो उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों ने हिम्मत दी और फिर ऐसे हुआ मेरे साथ। तो अब जाके मुझे समझ में आया कि कल्याणी में दो महीने डिप्रेशन लेके क्या की मैं। मुझे अब समझ में आता है कि कल्याणी ने 2 महीने डिप्रेशन में रह के, और डिप्रेशन समझते हैं क्या होता है, कि मुझे नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन मैं थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मुझे चिड़चिड़ापन हो गया था, मैं अंधेरे में रहती थी, मेरा मतलब खाने पीने में मन नहीं लगता था, हेल्थ इशूज जो हो गए सारे हो गए, जो इस बार हुए ना उसी वजह से हुए। सोती नहीं थी, 4-4 बजे तक 3-3 बजे तक जगती रहती थी। तो यही सब है डिप्रेशन। और रोने लगती थी, मतलब ऐसा होता था ना दिमाग में 1000 चीज़ें चल रही हैं, वही चीज़ें मेरी आँख बंद करके चलने लगती थी। उसके बाद मैं जैसे फाइट करती थी, उन्होंने ऐसे बोला तो मैं ऐसे क्यों नहीं बोली, मैं रिएक्ट क्यों नहीं की, ऐसी चीज़ें होने लगी। तो उसके बाद फाइट करती थी, उसके बाद लास्ट में रो के फिर सो जाती थी। ये मेरा 2 महीना चला है, 60 दिन कंटिन्यू, उससे भी ज़्यादा, जब तक मैं दिल्ली नहीं गई। जब मैं दिल्ली गई वहाँ पे भाभी बच्चे और डुग्गू इन सबसे मिलना, माहौल अच्छा था वहाँ का, वहाँ पे तो फिर माइंड डाइवर्ट हुआ। अब मुझे जब मैं वहाँ से आई तो मुझे समझ में आया कि मतलब मैं अपने आप को हाँ पहुँचा रही हूँ, मैं खुश, मैं चाह, जब इतना रो के सब कुछ करके मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पैसा लग गया इतना बीमारी में, और फिर चेकअप ये वो जो भी चीज़ें हैं लग गई, और मेरा हेल्थ भी चला गया, और मैं खुश भी नहीं रहती। और उन लोग के कहते हैं ना कान पे जू नहीं रेंगना, मेरी सासू माँ के, या फिर इतना मैं बीमार थी, अगर वो अच्छी होती सब कुछ छोड़ के एक कॉल करके ज़रूर पूछती वो, लेकिन इतना मैं बीमार थी एक भी कॉल नहीं आया मेरी सासू माँ का। तो मुझे समझ में बस इतना आ गया कि कोई नहीं है कल्याणी तुम्हारा, तुम्हारी माँ के सिवा। अपनी फैमिली में खुश रहो, अपने में खुश रहो, और उनको याद करके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, और जहाँ वो गलत हैं वो भी बताऊँगी, जहाँ मैं गलत हूँ वो भी मैं बताऊँगी। और रही बात बोलने की ससुराल के ऊपर, तो कभी भी कोई भी बात आएगी मैं बोलूँगी। आप एक दो लोग आके जो कमेंट कर जाते हो कि ससुराल के बिना कोई व्लॉग पूरा नहीं होता, ससुराल के बारे में ऐसे बोलती हो वैसे, जो भी ससुराल को लेके, तो आपके इतने बोलने से मेरी जबान बंद नहीं हो जाएगी। अब मैं आपके हिसाब से नहीं बोलूँगी कि आप जो कहोगे तो बोलूँगी। हाँ, मैंने उनका इज्जत उधेड़ा नहीं ना, बस इतना भाग्य मनाए वो लोग। और मुझे पता है जानने वाले ही ये लोग होते हैं। पता है कई लोग तो ऐसे हैं ना कि जब मैं वहां से जुड़ी थी तो रिश्ता नहीं था, जब मैं वहां से हट गई ना, मेरा रिश्ता टूट गया, तो वहां से रिश्ते जोड़ लिए सब लोग। कई लोग तो ऐसे थे।
और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी खुद की बेटियां हैं लेकिन जज करने को बैठे हुए हैं कि कल्याणी ऐसी है। कभी अपनी लड़की को मेरी जगह पर रख के देखना, कभी ऐसे रख के देखना कि एक 25 साल की लड़की, पति तो खोई उसके साथ बहुत कुछ खोई, और उसके बाद भी मैं दावे के साथ एकदम ताव के साथ कह सकती हूँ मैंने संतोष रखा है, मैंने संतोष रखा है, मैं एक रत्ती उनका नहीं ली हूं। चाहती तो सब ले लेती लेकिन एक रत्ती नहीं ली हूं मैं, जमीन जायदाद गहने एक रत्ती नहीं ली हूं, एक इंच भी कल्याणी सिंह नहीं ली है और न लेंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पे भरोसा है, मैं संतोष रखती हूं, मेरे नसीब में होगा कहीं से भी आ जाएगा। मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा दौलत मेरे हस्बैंड थे जो चले गए, उनकी माँ को अपने बेटे और अपने हस्बैंड से ज़्यादा और दौलत दिखती थी, इसीलिए उन्होंने दूसरे बेटे के लिए सब कुछ संभाल के रखा, सब कुछ करके रखा, सब कुछ बचा के रखा, गहने और मेरे भी गहने जो कि मुंह दिखाई के गहने कुछ थे जो मेरे मतलब लवली की वाइफ को दिया गया था, उन्होंने वो लक्की की वाइफ के लिए रखा है, ले लो। मैंने कुछ जवाब, मैंने वो तक नहीं मांगा, एक हार था मेरा छोटा सा जो कि ताई जी ने दिया था, उस लेते हुए एक वीडियो भी होगा मैंने डाला है, वो हार वो औरत नहीं दी। मैंने कुछ, मैं वहीं पे गहने जब मुझे दी ना मेरी सासू माँ ने मेरे, तो मैंने अपने गहने देखे, मैंने एक चूं तक नहीं बोला कि आपने ये क्यों नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे, मैं क्या करूंगी गहने के लिए, गहने को लेके, अगर मैं अपने भी गहने नहीं लेती, अगर मेरी मम्मी ये नहीं कहती कि नहीं तुम्हारे दुख सुख के लिए रहेगा, मम्मी ने बनवाया है मेरे, मैं अपने से बनवाए थे तो वो भी छोड़ देती हूँ उनके नाम पे। मैं, मुझे समझ में आता है मेरा पति चल गया, सबसे बड़ा दौलत था मेरा वो, उनकी माँ को उसके अपने बेटे अपने पति के अलावा भी और भी दौलत दिख रही थी ना, जमीन जायदाद दिख रहे थे और गहने दिख रहे थे, तभी तो वो उतना दिमाग चलाई, मतलब वो दिमाग से चल रही थी और मैं दिल से चल रही हूँ, अब भी चल रही हूँ कि मेरा पति ही मेरा इतना सब कुछ खो गया तो मुझे क्या ज़रूरत है। मैं एक तो मैं ली नहीं, ऊपर से मैं भगवान के ऊपर छोड़ी हूँ, अभी भी मैंने भगवान को बस यही, मेरे मुँह से हमेशा यही निकला है कि मेरे नसीब का होगा मुझे उतना मिल जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, पहली बात कि मैं अपने से खुद कर लूंगी, मुझे नहीं चाहिए उनका। अगर वो तो बहुत चीजें ऐसी हैं यार, बहुत चीजें हैं खोलने को ना, मेरे ससुराल की तरफ से बहुत चीजें ऐसी हैं, भड़ास बहुत अंदर, लेकिन मैं नहीं बोलती, मैं उन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहती। मैं नॉर्मल ब्लॉग शूट कर रही हूँ, रेसिपी दिखा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ भाई, रेसिपी दिखा रही हूँ, घर के काम ये वो दिखा रही हूँ, ठीक है मैं उसी में खुश हूँ, मुझे ससुराल का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ बात पड़ती है, एक नॉर्मल बात इंसान करता है तो बात आ जाती है, तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये आके एक दो लोग कमेंट करोगे ससुराल ये ससुराल वो, मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगी, ठीक है। अगर मैं और लोगों की सुनी होती ना तो शायद हक लेके बैठी होती, लेकिन मैं अपने दिमाग की सुनी, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने इतना अपने हीरे जैसा पति खो दिया जिसकी कोई जिसका कोई मोल नहीं है, इतना क्यूट इतना सुंदर इतना अच्छा नेचर इतना अच्छा सब कुछ मैंने खो दिया, उसके आगे ये जमीन जायदाद गहने क्या है, मुझे नहीं चाहिए। आप रखो गहने, आप जमीन जायदाद रखो, शायद वो आपके बेटे से बढ़ के आपके पति से बढ़ के थे तब आपने रखा, और मन नहीं भरा तो बहू का भी हक मार के रखा, आप रखो मुझे नहीं चाहिए आपके, ठीक है। और आप लोग भी जो कमेंट करने वाले हैं ना, कमेंट सोच समझ के किया करिए, नेगेटिव कमेंट वाले उनको बोल रही हूँ स्पेशली, जो और बाकी YT फैमिली जो है वो मुझे समझती है, तो सोच समझ के बोला करो, ठीक है। जो लड़की इतना सब कुछ होने के बाद भी बर्दाश्त की है, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ,
मैं खोल भी दूँ पोल पट्टी, लेकिन मुझे नहीं करना है। ठीक है, जब तक जबान बंद है, इज्जत सबकी दबी हुई है, इज्जत बनी हुई है। ठीक है, और एक बहू यार होके मैं क्या ही कर सकती हूँ, इतना ही किया, बहुत जितना करते बना उतना कर दिया, जमीन जायदाद हक हिस्से गहने रुपए सब मैंने छोड़ दिए। ठीक है, और इतना बुरा वो लोग किए कि शायद बता दूँ तो रिश्तेदारी के लोग भी और सब लोग देखते थूक दें उनके मुंह पे, लेकिन नहीं बता रही। ठीक है, छोड़ो, जाने दो। तो अब इतना, इससे बढ़ के और क्या दिल, क्या दिल मैं क्या रखूँ भाई, और बताओ, ससुराल का मैं क्या दिल निकाल के रख दूँ, मर जाऊँ मैं और क्या लेना चाहते हो भाई? और आप चाहते हो कि ससुराल की बातें भी ना करूँ, क्यों ना करूँ, करूँगी बातें, अच्छी भी करूँगी बुरी भी करूँगी, जब मन करेगा तब करूँगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।